ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ज्योतिष अवतार यूट्यूब चैनल में। हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी शनिवार आज के वृषभ राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा, और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों, आज के दिन आपको कुछ नई खबरें मिल सकती हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी और आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। छोटी छोटी बातों को आप आज नजरअंदाज करें, छोटे भाई बहन आपकी मदद करके आज काफी प्रसन्न रहेंगे। खर्चे की थोड़ी अधिकता रहेगी, लेकिन हो सकता है आज आप किसी बात को लेकर भी चिंतित रहें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होगी और सरकारी क्षेत्र से आपको कोई लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे, साथ ही आपको अपने काम से संतुष्टि मिलेगी और साथ ही सुख की प्राप्ति होगी और परिवार में मन लगेगा, इससे आप अधिक प्रसन्न रहेंगे। लेकिन माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। संतान से प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में भी आपको अधिक समय देना पड़ेगा। हालांकि आज आप काफी व्यस्त रहेंगे, यदि किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग है तो थोड़ी सावधानी रखें। अगर स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे तो तुरंत यात्रा को रद्द कर दें और सावधान रहें। दोस्तों, अब बात कर रहे थे आज आपका के लिए क्या नेगेटिव रहेगा। दोस्तों, आज कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें, अन्यथा किसी मुसीबत में भी आप पड़ सकते हैं। समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, परंतु आप डटकर मुकाबला करने में सक्षम रहेंगे। विरोधी पक्ष प्रबल रहेगा, अधिक दूरी की यात्राओं से सावधान रहें और साथ ही अपने व्यापार व कार्यस्थल पर अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें, और विचारों में खोए रहने से उत्तम अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। यह समय व्यवसाय में निवेश के लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा, साथ ही काम की अधिकता की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी और साथ ही आर्थिक लाभ की स्थिति भी बेहतर रहेगी। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए समय अनुकूल है और साथ ही किसी मित्र की मदद से कोई अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। दिन के साथ साथ व्यापार में भी बेहतर प्रदर्शन होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पति पत्नी में चल रहा तनाव दूर होगा, प्रेम जीवन में सफलता हासिल होगी और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। साथ ही घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं, तो उनमें कुछ बात बन सकती है, बशर्ते पहल आपको ही करनी होगी, और साथ ही कोई महंगा गिफ्ट भी आपको प्रदान करना होगा, इससे आपका पार्टनर आपसे काफी खुश रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या मौसम जनित या मौसम परिवर्तन की वजह से हो सकती है, जैसे गले और छाती में कफ बनना समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, नियमित योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप ये उपाय अवश्य करें, सरसों का तेल दान करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम से शनिश्चराय नमः, ओम से शनिश्चराय नमः। इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों।